बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव के सामने गिड़गिड़ाने वाले बयान पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि राजनीति में कुछ चीजों को ढक कर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भली भांति जानती है कि कौन गिड़गिड़ाया और किसके कहां जाने से किसका फायदा हुआ। राजनीति में कुछ चीजों को ढक कर रखा जाता है, बाकी जनता अच्छे से जानती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। अशोक चौधरी ने तेजस्वी के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के साथ भविष्य में गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर दिया था। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के राजद से अलग होने और एनडीए में वापसी के लिए सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव हमेशा अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें एहसान वापस करने में दिक्कत होती है। अशोक चौधरी ने तेजस्वी को याद दिलाया कि नीतीश कुमार उनके जन्म से बहुत पहले से ही राजनीति में है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि जदयू से किसी ने भी गठबंधन के लिए उनके पिता के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी है। दरअसल पिछले हफ्ते तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार के साथ भविष्य में किसी भी तरह के गठबंधन की संभावनाओं से इनकार कर दिया था। तेजस्वी ने दावा किया था कि पिछली बार नीतीश कुमार उनके घर आए थे और राजद विधायकों की मौजूदगी में उनकी मां राबड़ी देवी से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। तेजस्वी ने ये बातें हाल ही में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उठी गठबंधन की अचकलों पर सफाई देते हुए कही थी। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मुलाकात के कुछ दिन बाद ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने मंच साझा करते हुए अपने पुराने फैसलों को गलती करार दिया और एनडीए के साथ हमेशा बने रहने की बात कही। नीतीश कुमार के इस बयान से राजद नाराज है और अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को ये भी याद दिला दिया है कि बिहार की जनता समझती है कि गठबंधन में किसको फायदा होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन में नीतीश कुमार की मौजूदगी चुनाव में जीत की गारंटी देती है। चौधरी ने कहा कि लालू यादव हमेशा अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भूल जाते हैं। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।